हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका'स लाइफस्टाइल। सो आज है दिवाली एंड आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरी बेटी का तबीयत जो है वो कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी मैं रेडी होके उसको जो है जॉन्डिस झड़वाने लेके जाऊँगी। दो दिन से उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार और सर्दी ये सब हुआ है, तो जॉन्डिस झड़वाने गई थी तो पता चला कि उसको जॉन्डिस हुआ है, तो जॉन्डिस उसको झड़वा के दिया है। तो जॉन्डिस की वजह से उसका बुखार जो है कम नहीं रहा था। आज थोड़ा सा बोल सकते हैं बेटर है वो, नहीं तो दो दिन से जो कल रात को जो उसका हालत हुआ था वो तो मैं क्या ही बताऊँ। रात को इतना ज़्यादा फीवर बढ़ गया था तो उसको सुला दिया है। अभी सुलाने के बाद, क्योंकि आज दिवाली है तो इधर दिया वगैरह तैयारी करने आ गई हूँ, और इधर दिया जितने भी सारा दिया आए थे उन सब को पानी में भिगो के रख के अभी सब उसको निकाल रही हूँ, ताकि जब पूजा का टाइम हो तो वो सब निकाल के सब कुछ रेडी हो जाए। एंड सुबह से सब सारे काम जो है वो सब भी हो रहा था, क्योंकि दिवाली के कितने काम होते हैं। और उसके बीच भी बेटी का तबीयत ख़राब हो जाना, मैं तो गई थी सुबह ये सब, कल मैं हॉस्पिटल गई थी इसको दिखाने, हॉस्पिटल दिखा के आके दवाई भी खिला रही थी, फिर भी रात को इतना ज़्यादा फीवर हो गया तो डर लग गया था। तो जन्म के बाद से यही इसका जो इतना ज़्यादा फीवर हुआ है, तो मैं इसको जैसे सुलाई थी तो ये फिर उठ गई, क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं है तो ये ज़्यादा सो नहीं पा रही है, थोड़ी देर में उठ जा रही है। तो फिर मैं इसको अभी फिर थोड़ी देर इसको खिला के और फिर मैं इसको सुलाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं दिवाली के, दिए वगैरह सब रेडी भी करना है और हम लोग को भी सबको रेडी होना है। तो अभी इसको फिर अभी थोड़ी देर सुला दूँगी। और अभी देखिए दिए का जो सारे काम है वो हो गया है। अभी जाती हूँ फ्रेश होके, रेडी वगैरह होके आती हूँ, तब इन सब दियो को रेडी करूँगी आराम से। तो यहाँ पे देखिए आधे दियो जो है रेडी हो गया और मैं भी यहाँ पे रेडी होंगी, क्योंकि अभी जो है गणेश लक्ष्मी जी का पूजा होगा। तो चलिए पूजा देख करते हैं। और पूजा हो गया है, पूजा होने के टाइम मैंने पूजा के टाइम पे जितना दिए का दरकार था उतना हो गया था। और फिलहाल अभी क्योंकि और भी दो घर है वहाँ पर भी दिया जलाएंगे, तो बहुत सारे दिया चाहिए नीचे मील में इधर, और बहुत रूम वगैरह है तो इधर मैं और हस्बैंड दोनों ही रेडी कर रहे थे, रेडी नहीं कर रहे थे, मतलब मैं रेडी करके दे रही थी और नीचे जो लोग जा रहे थे मम्मी जी ये और मेरी जेठानी वो लोग नीचे मतलब सब दिए लगा रहे थे, तो मैं इधर रेडी करके दे रही थी, बाकी लोग अपना दिए ले जाकर लगा रहे थे। तो ऐसे जल्दी हो जा रहे थे क्योंकि घर भी बहुत बड़ा है तो एक जन से होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए आज तो पूरा घर जैसा मंदिर जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ दिया ही दिया। तो आप सबका दिवाली कैसा गया ज़रूर बताइएगा, आप सबने कितना एंजॉय किया ज़रूर बताइएगा। मेरा तो इतना एंजॉय नहीं क्योंकि मेरा बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी हम लोगों ने मिलकर थोड़ा तो सेलिब्रेशन किया, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का इस घर में फर्स्ट दिवाली था। क्योंकि लास्ट ईयर जब दिवाली था तो दिव्यांशी का छठियार पड़ा था उस दिन, एंड तो हुआ नहीं था, और इसलिए इस बार तो हम दोनों का ही फर्स्ट दिवाली है, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन जो किया वही बस, और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींचे एंड उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर। और क्योंकि ज़्यादा टाइम नीचे रहती तो उसको ज़्यादा ठंड लग जाती, तो इस वजह से चले गए ऊपर। थोड़ा सा हम लोगों ने जो भी एंजॉय किया। तो बेटी को सुलाने के बाद हम दोनों आ गए छत पे पटाखे फोड़ने के लिए, तो उसको मैंने अच्छे से सुला दिया और अब ओ और अब उठेगी भी नहीं।
तो हो गया सब कुछ जलाने वगैरह। तो अगेन आप सबको हैप्पी दिवाली। तो चलिए अभी डिनर करने चलते हैं। और दिवाली स्पेशल आज बना है पूरी, आलू गोभी की सब्जी और सेवैया। तो आप सबके भी घर में क्या क्या बना है दिवाली स्पेशल, कहाँ क्या बनता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग डिनर करने के बाद, उसके बाद हम लोग के घर के सामने ही यहाँ पे फंक्शन वगैरह हुआ है, तो काली पूजा का ये लेकर। तो यहाँ पे आज ही के दिन, मतलब ये नेक्स्ट डे है उसके, तो यहाँ पे औरतों का खेल वगैरह ये सब होता है। तो जैसे कि मोम जलाना, शंख बजाना, इससे पहले भी मैंने आप सबको बताया था। तो इस बार भी मुझे मोम एक सलाई के काठी से मोम जलाने में फर्स्ट प्राइज मिला है इस बार भी। तो मैंने 21 जलाया तो मुझे इस बार भी फर्स्ट प्राइज मिला है। देन उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हुआ, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब लोग ब्लॉग को देखिए, और ब्लॉग आप लोग देखते रहिए और नहीं बोलूँगी। एंड यही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि डांस वीडियो वगैरह जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है।